नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एबीडी 400 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एबीडी 400 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एबीडी 400 टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एबीडी 400 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में एबीडी 400 टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। एबीडी 400 टैबलेट का उपयोग पेट में कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। पेट में कीड़ों की समस्या सबसे अधिक बच्चों में होती है। बच्चों के पेट में कीड़े होना एक सामान्य बात है, लेकिन पेट में कीड़े बड़ों को भी या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं। पेट के कीड़े भोजन से विटामिन, मिनरल्स और एनर्जी सोख लेते हैं और पेट में कीड़े होने पर व्यक्ति को खाया पिया अच्छी तरह से नहीं लगता है, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी होना, वजन का कम होना, पेट में दर्द और भूख कम लगना आदि लक्षण पेट में कीड़े होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर में थकान रहना, लगातार कब्ज की समस्या रहना, खाना खाने के तुरंत बाद मल के लिए जाना, पेट में गैस बनना और दस्त होना आदि लक्षण भी पेट में कीड़े होने पर हो सकते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े होने पर बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है। पेट में कीड़ों की जांच करने के लिए आपका डॉक्टर स्टूल टेस्ट करवा सकता है। स्टूल टेस्ट की मदद से आपका डॉक्टर यह आसानी से पता लगा सकता है कि आपको पेट में कीड़ों की समस्या है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम जानेंगे कि एबीडी 400 टैबलेट कैसे काम करती है। पेट के कीड़े जीवित रहने के लिए भोजन से ग्लूकोज सोखते रहते हैं। एबीडी 400 टैबलेट पेट के कीड़ों को ग्लूकोज सोखने से रोकती है, जिसकी वजह से पेट के कीड़ों में एनर्जी की कमी हो जाती है और पेट के कीड़े मर जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एबीडी 400 टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एबीडी 400 टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एबीडी 400 टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, सिरदर्द, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और अस्थायी तौर पर हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा एबीडी 400 टैबलेट अस्थायी तौर पर व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के लेवल को कम कर सकती है। अगर आपको एबीडी 400 टैबलेट को लेने के बाद बुखार, खांसी, गले में खराश, कमर में दर्द या पेशाब करते समय दर्द होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एबीडी 400 टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एबीडी 400 टैबलेट को फैटी भोजन करने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। फैटी भोजन का मतलब है कि जिसमें फैट का लेवल ज्यादा हो, जैसे घी, दूध, अंडे आदि। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर पेट में कीड़ों को साफ करने के लिए एबीडी 400 mg टैबलेट की एक टैबलेट को केवल एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन पेट में कीड़ों की समस्या ज्यादा गंभीर होने पर कुछ व्यक्तियों में एबीडी 400 टैबलेट की डोज इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एबीडी 400 टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एबीडी 400 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और शरीर में खून की कमी ज्यादा गंभीर होने पर एबीडी 400 टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना एबीडी 400 टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एबीडी 400 टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एबीडी 400 टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एबीडी 400 टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एबीडी 400 टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।